गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उठ चुकी हूँ और थोड़ा लेट उठी क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। इसके पापा तो जा चुके हैं ऑफिस, सभी बच्चे सो ही रहे हैं। तो मैं किचन में बना रही हूँ चाय। इधर मैंने चाय चढ़ा दी है और इधर मैं बच्चों के लिए ये फ्राई करूँगी। ये बच्चों की पसंद आती है ज़्यादा। और इतने एक बार मैं ये दवाई ले लेती हूँ। ये भाई थायराइड की दवाई है। सुबह उठते ही मुझे खाली पेट लेनी होती है तो मैं एक बार ये दवाई ले लेती हूँ। फिर से अगर वही इतना हिसाब कर लो फिर फैल जाता रात में। और सुबह सुबह उठते ही देखो भाई गोलू लग गई है पढ़ने, क्योंकि भाई अब एग्जाम्स आ रहे हैं ना इनकी, तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं कर लेती हूँ काम, देखते हैं। सोच रही हूँ क्या स्टार्टिंग करूँ पहले, कहाँ से। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हमारी छुट्टी थी क्योंकि आज कल मतलब हमारे फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो कल से अब हमारे फाइनल एग्ज़ाम है। तो आज हमारे प्रिपरेटरी मिली हुई थी तो अभी तो उठ गए थे। और यहाँ पे मम्मी सब्जी की तैयारी कर रही है। क्या बना रहे हो? गोभी। हाँ, पहले गोभी इसको कट करके थोड़ा गर्म पानी में इसको उबाल लूँगी, जो इसमें कुछ जैसे दवाई वगैरह का स्प्रे होते हैं ना तो वो निकल जाएंगे। अगर डायरेक्ट ऐसे बना लेते हैं ना तो थोड़े से में फिर मेरे को वहम सा रहता है। वहम इंसान मेरे त्याग को आप क्या क्या करने वाले हैं आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहिएगा मेरे साथ आगे तक ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मैं ले रही हूँ टी ब्रेक। इतने में चाय ठंडी होती है तो मैं देखता हूँ उसको क्या कर रही है। गोलू अपनी बुक्स यहाँ छोड़ के भाग गई। क्या कर रही है? मैनू अब सू बना रही है भाई सब्जी। तैयारी तो मैंने कर दी थी, अब छू की देगी। मैनू कह रही हूँ हाँ। आप है ना डब्बे में अगर तेल हो ना पेशक रहने दिया करो धोड़ का, तेल में पानी चला गया ना देखो वो खुल गया इसमें गया है। हाँ तो रहने दिया करो। वो थोड़ा चिकना और था पर मेरे को फिर चिकना चिकना अच्छा नहीं लगता, मैं थोड़ी सी साफ कर दूँ तो ढक्कन लूज था तो मेरे से खुल गया और वो इसमें तेल खुल गया। अब देखिए इसमें ये तो कढ़ाई तो गिल्ली नहीं थी ना, सारी सुखा दी थी। कोई नहीं हो जाएगा, दो मिनट बाद हो जाएगा, ऐसे तो कुछ नहीं हो जाता है। इतना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती ऐसी होती रहती है। गोलू लगी अपनी काना की सेवा पानी में भाई। मैं पी लेती चाय। क्या कर रहे हो आप बताओ, क्या कर रहे हो? आपको क्या लग रहा है? मैं वॉश बेसिन साफ कर रही हूँ भाई, क्योंकि मुझे ये गंदा फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। इसलिए हम इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करेंगे, क्योंकि भाई ये भी जरूरी होते साफ करने, यहाँ हाथ मुंह धुलता है तो हाइजीनिक का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अभी मैंने ये कर दी, फिर बार बार साफ करूंगी। मम्मी पिचकारी मार रही है, पहले ही साफ करती हूँ क्योंकि फिर इधर गिल्ला हो जाता है ना थोड़ा बहुत, पहले मैं ये साफ कर देती फिर पोछा लगाऊंगी बाद में। दूध जैसी सफेदी निकल के आ रही है, दूध जैसी सफेदी निर्मल से है। वास वेसन भी खिल खिल जाए सबकी पसंद निर्मल। निर्मा तो भाई हमने शायद लाइफ में कभी यूज करा नहीं मैंने तो निर्मा। भाई पहले ये टाइड वगैरह आता था तो टाइड यूज करते थे, फिर अब वो ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें सर्फ का तो कोई काम ही नहीं है, वैसे लिक्विड वाला यूज करते हैं। सर्फ काम है लिक्विड वाला, लिक्विड वाला करते हैं, वैसा नहीं करते हम। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आप कौन सा ब्रांड का सर्फ यूज करते हैं। ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहे हम, ये तो हम सिर्फ वैसे ही स्नान। और अक्सु क्या कर रही है? अक्सु कर रही है यहाँ पे पूजा,
और मैं भाई बनाऊंगी अभी खाना। सब्जी तो बन गई है, रोटी बनाऊंगी। मैं रोटी बना लेती हूँ। सब्जी मेरी, ओ शिट, सब्जी मेरी बन गई है। आलू गोभी काम बता दिया मैंने। ये वापसी बनी हुई थी, इसमें पानी टपक गया। अब मैं रोटी बना लेती हूँ। हाँ, बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई और मैं होली जाने के लिए तैयार। पहले तो मैं पीऊंगी चाय और मम्मी ने ऐसा तैयार जाने के लिए चढ़ गया तेरे। गुड नाइट एवरीवन, तो मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही था और बस अब हम खाएंगे पियेंगे सो जाएंगे। खाना तो हमने खा लिया, बस अभी कल पेपर है ना मेरा, तो देखो मैं यहाँ पे ना पढ़ रही थी और ये अभी सैंपल पेपर सॉल्व करना है मुझे बस, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगी और कल सुबह जल्दी उठना है पेपर है क्योंकि। तो मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में जरूर बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बाय।